स्वागत है आपका माय हेल्थ शीट में और मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा वायरस खोजने का दावा किया है जो हर तरह के कैंसर का खात्मा करने में सक्षम है। मेडिकल के क्षेत्र में इससे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इस वायरस को वैक्सीनिया CF33 नाम दिया गया है। इस समय दुनिया भर में 100 से भी अधिक प्रकार के कैंसर का पता तीसरे या चौथे स्टेज में चलने पर इलाज की संभावना बहुत कम हो जाती है। वैज्ञानिक अब इस सफलता के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। अगर टेस्ट में सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल ही इससे दवा के तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों पर टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार यह एक ऐसा वायरस है जो शरीर में कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम का कारण बनता है, मगर इसे कैंसर सेल्स के साथ इन्फ्यूज कराने के बाद वैज्ञानिक काफ़ी आश्चर्यचकित थे। टेस्ट के दौरान इस वायरस ने पैट्री डिश में सभी प्रकार के कैंसर को खत्म कर दिया। इसके बाद चूहों पर टेस्ट करने पर भी वैज्ञानिकों ने पाया कि इस वायरस ने ट्यूमर को सिकोड़ कर काफ़ी छोटा कर दिया है। इस वायरस को ऑस्ट्रेलियन बायोटेक कंपनी इंफ्यूजिन ने बनाया है। इससे बनाने का श्रेय US के वैज्ञानिक और कैंसर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर यूमान फॉग को जाता है। प्रोफेसर फॉग के अनुसार कॉफॉक्स नामक एक वायरस होता है जो पिछले 200 सालों से छोटी माता को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका इंसानों के शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। कॉफॉक्स नाम के इसी वायरस को कुछ अन्य वायरस के साथ मिलाकर चूहों के ट्यूमर पर ट्रायल किया गया है। ट्रायल में देखा गया कि चूहों के शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स सिकुड़ कर काफ़ी छोटे हो गए और उनका बढ़ना भी बंद हो गया। प्रोफेसर फोंग ऑस्ट्रेलिया में ही इस वायरस के क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी कर रहे हैं। बाद में इससे अन्य देशों में भी टेस्ट किया जाएगा। इस ट्रायल के दौरान ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, मेलानोमा, फेफड़ों के कैंसर, ब्लैडर कैंसर, पेट के कैंसर के मरीजों पर टेस्ट किया जाएगा। हालांकि चूहों पर इस शोध की सफलता इस बात की पूरी तरह आश्वस्त नहीं करती है कि इंसानों में भी इसके परिणाम वैसे ही देखने को मिलेंगे। अभी इंसानों पर इस वायरस का टेस्ट होना बाकी है जिसके दौरान इसके साइड इफेक्ट की भी जांच करनी पड़ेगी। फिर भी प्रोफेसर फोंग और उनके वैज्ञानिक टीम इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित है और सफलता के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर साथ में बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जय हिंद, जय भारत।